तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग बच्चों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार जल्दी से मुझे बता दो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? इज इट क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बता दो, जल्दी 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 जल्दी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो इंडिगो चैप्टर के ऊपर होने वाला है, और मैं आपको इंडिगो की आंसर राइटिंग आज कराने वाला हूँ। लॉन्ग आंसर राइटिंग आज हम करेंगे, एंड आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दैट प्रैक्टिस। और लास्ट टाइम हमने जो रैट ट्रैप की प्रैक्टिस करी थी, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने इम्प्रूवमेंट किए, एंड आई थिंक दैट आज भी बहुत सारे बच्चे अपने आंसर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है वो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, इसको लाइक जरूर कर दें, है ना? आई वॉन्ट दैट। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो बच्चों, ठीक है? जल्दी से अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। एंड टुडे वी हैव व्हाट? वी हैव लॉन्ग आंसर राइटिंग सेक्शन फॉर इंडिगो, ठीक है? इंडिगो के लिए लॉन्ग आंसर राइटिंग सेक्शन है बच्चों। सभी लोग रेडी हैं? हाय 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 एवरीवन। ग्रेट। नहीं बच्चों, आप लोगों को आंसर जो सेंड करने हैं वो चैट स्क्रीन पे ही सेंड करने हैं फॉर टुडे, बिकॉज ऑफ सम इंटरनल इश्यू, ठीक है? आप लोगों को जो आंसर सेंड करने होंगे वो यहीं पे सेंड करने होंगे, ठीक है? बस स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहली चीज, आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप लोग एक काम करिए, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को बच्चों फॉलो कर लो। अगर किसी बच्चे ने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं करा है, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आप लोगों को क्लासेस की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। हाई कॉम्बैट टेस्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, मेरा टेलीग्राम, मेरा जो स्केड्यूल है उसका ध्यान रखो। मेरी कुछ आने वाली क्लासेस है उनका ध्यान रखना है। जैसे कि मेरी आज ये वाली क्लास हो गई है जो कि प्लस पे पार्ट वन की है। अभी इंडिगो का हमारा लॉन्ग आंसर राइटिंग सेशन चल रहा है। अब इसी तरीके से 12th क्लास का कल एक सेशन होने वाला है जो मॉर्निंग में 8 बजे होने वाला है। ये वाला सेशन कल संडे को मॉर्निंग में 8 बजे है। तो जिसको भी आंसर राइटिंग करनी है, मेक श्योर इस वाले सेशन को अटेंड जरूर करेगा। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग महिमा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सेशन 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए हैं। अगर तुम्हारा कोई भाई बंधु 11th क्लास में है तो तुम उसको भी बता सकते हो। अनअकैडमी पे हमारी कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं। स्पेशल क्लासेस क्या होती हैं? बेसिकली प्री क्लासेस होती हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है फ्री में। तो मेक श्योर अगर किसी ने भी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं करा है तो अनअकैडमी के प्रोफाइल को आप फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास अगर मैं स्पेशल लेता हूं तो वो आपकी मिस ना हो। अगली चीज बच्चों, अभी इस मंथ में जो कुछ दिन बचे हुए हैं उन दिनों के अंदर मेरी क्लास यूट्यूब पे ही रहेगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 9:50 पे रात को रेगुलर क्लास चलेगी। तो आई वॉन्ट कि यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस है वो सब ज्वाइन जरूर करनी है। हेलो हेलो यादव जी, हेलो श्रद्धा, हेलो आईटीसी, हेलो अतुल, हाय एवरीवन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लो। अगर किसी ने मेरे प्रोफाइल को फॉलो नहीं करा है, फॉलो कर लो, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और क्लास के सारे नोट्स बच्चों मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन पे शेयर कर रहा हूँ। क्लास के नोट्स मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन पे शेयर कर रहा हूँ, तो मेक श्योर आप लोग मुझे फॉलो जरूर कर ले जितना जल्दी हो सकता है। पर्सनल गाइडेंस के लिए बच्चों आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, जहाँ आपको पर्सनली आपके टेस्ट का एनालिसिस करके बताया जाएगा। एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, और भी बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। और आप लोगों को बच्चों प्लस में मिलेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल आर कोर्सेस और सारे एजुकेटर, सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेस। अगर कोई बच्चा 12th क्लास में एनरोल कर रहा है तो वो 3 मंथ्स का कोर्स एनरोल कर सकता है। 3 मंथ के साथ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बिल्कुल फ्री। एंड यू कैन यूज माई कोड, दैट इज SUTH10। और बच्चों 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 7500 का है, प्लस पे आपको ऑफ भी मिल जाएगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी बच्चों आप यूज कर सकते हो। आइकॉनिक में भी आपको 3 मंथ्स के साथ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिलेगा। यू कैन यूज माई कोड और अगेन 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन 12,000 का है आइकॉनिक के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है। तो बच्चों आज का जो चैप्टर है जो हमारे को करना है, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज इंडिगो। इंडिगो चैप्टर के लॉन्ग आंसर हम करेंगे, ठीक है? कौन से लॉन्ग आंसर करने हैं? इंडिगो चैप्टर के, इंडिगो बाय लुइस फिचो, लॉन्ग आंसर राइटिंग, लॉन्ग आंसर राइटिंग। और जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सामने दूंगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे
कि वो लॉन्ग क्वेश्चन पहले भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगर आप लोग लॉन्ग आंसर्स को सही से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको उन क्वेश्चन के आंसर जरूर लिखने हैं। आई वॉन्ट हर एक बच्चा जो है वो क्वेश्चन के आंसर जरूर लिखे, ठीक है। आर यू ऑल रेडी, स्टार्ट कर दे बच्चों। आपके सामने पहले लॉन्ग आंसर को बेटे लेके आ रहा हूं मैं, पहले क्वेश्चन को मैं लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी। ग्रेट, आई वुड रिक्वेस्ट जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश जरूर करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट अगेन, जो भी बच्चे हैं वो क्वेश्चन के आंसर को लिखने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, सो वी हैव गॉट वन क्वेश्चन हियर। And that is, this is the first question, bachcho. Question kya hai? Let me tell you. That is, why did Gandhiji agree to a settlement of 25% refund to the farmers and how did it influence the peasant landlord relationship in Champar? I hope sabhi ko dikhai de raha hoga question. Is it clear? Aapki class mein foreigner aaya ho bhai sahab. Great. That's great, Avais. That's great. Kitne questions ho gaye hain? Bahut zyada question nahi hue. Abhi to humne shuruaat kari hai. Abhi to questions ki bauchhaar aayegi. ग्रेट 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 ग्रेट। सो वी हैव गॉट अ क्वेश्चन हियर। एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा विजिबल नहीं था। ओके, द क्वेश्चन इज, व्हाई डिड गांधी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, ठीक है। Why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers? How did it influence the peasant landlord relationship in Champaran? जल्दी से आंसर करेंगे बच्चों। आप लोग चैट स्क्रीन पे भी आंसर कर सकते हो, जो भी बच्चे चाहते हैं वो चैट स्क्रीन पे भी आंसर कर सकते हैं। यू कैन आंसर ऑन योर चैट स्क्रीन, ठीक है। जो भी बच्चे हैं वो अपने चैट स्क्रीन पे भी आंसर भेज सकते हैं। इफ द स्टूडेंट वॉन्ट्स, तो भाई स्टूडेंट वॉन्ट्स, तो आप चैट स्क्रीन पे भी आंसर भेज सकते हो, ठीक है। क्लियर, जल्दी से ट्राई करिए, फास्ट 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 फास्ट। जिसको भी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना है वो अपने आंसर्स को लिख के चैट स्क्रीन पे जरूर भेजेंगे, ठीक है। जल्दी से भेजिए। हाय रिया, मिथिलेश, गुलाम, श्रद्धा, जिया, संजय, इरफान, अवैस, काजल, मोहित, वी हैव गॉट जसलीन हियर, मनु, दीपक सिंह, याशु। ग्रेट, ट्राई करो बच्चों। यू कैन सेंड योर आंसर ऑन चैट स्क्रीन टू। ग्रेट, जल्दी बताइए बच्चों। क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, जल्दी से बताइए। ट्राई करिए। काजल ने बोला है, बिकॉज द रियल मोटिव वॉज टू रिमूव फियर फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ पीजन। बिल्कुल सही कहा, बट यहाँ पे व्हाट आई वांट इज, आई वांट अ लॉन्ग आंसर। बच्चों आप लोगों को अपने आंसर्स को थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है। अपने आंसर्स को थोड़ा सा बड़ा करना है और भेजना है, ठीक है। आप पार्ट्स में भेज सकते हैं, आप पार्ट्स में भेज सकते हैं।
आप अपने आंसर्स को पार्ट्स में भेज सकते हैं बच्चों, ठीक है, चार स्क्रीन पे ही लिख के भेजना है बट पार्ट्स में भेज सकते हो। इज इट क्लियर? जो भी बच्चे सीरियसली इंटरेस्टेड है आंसर राइटिंग में, प्लीज मेक श्योर यू राइट योर आंसर्स एंड सेंड मी, आई विल बी गेटिंग योर आंसर्स ऑन स्क्रीन। ठीक है, जल्दी जल्दी भेजिए बच्चों। Answers will be taken on screen. You can write in parts. ठीक है, जल्दी से try करिए fast. Good evening, good evening, good evening, good evening Anaira, good evening everyone. जल्दी भेजिए बच्चों, write down your answers on chat, answers will be taken on screen, you can write in parts. Good evening Pinky. बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, I would like you to please like the video. आपको answers बच्चों parts में देने हैं, ये चीज ध्यान रखो, you are going to answer in parts. Okay, we have got answer from Jasleen. Jasleen से answer मिला है, और कौन try करेगा, जल्दी जल्दी करिए answer. Why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers? How did it influence the peasants landlord relationship in Champaran? तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी ने 25% का रिफंड इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि उनके लिए अमाउंट ऑफ रिफंड जो था वो लेस इंपॉर्टेंट था, और ज्यादा इंपॉर्टेंट था विक्ट्री. विक्ट्री वॉज मोर इंपॉर्टेंट फॉर गांधी जी एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ रिफंड, है ना? जल्दी बताइए फास्ट. जल्दी 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 जल्दी. Okay, we have got one more part from Jasleen. Great Jasleen, you're doing well. Very good. Very good. बच्चों इस बार मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाला हूं और एक साथ प्रैक्टिस कराने वाला हूं, एक साथ गलतियां बताने वाला हूं. साथ के साथ हम गलतियों को नहीं करने वाले हैं. We are going to have answers first. एक से दो या तीन क्वेश्चन के आंसर हम एक साथ लेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों की रेक्टिफिकेशन करवाऊंगा, इस चीज को ध्यान रखो. ठीक है, ओके, वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम अवाइस. अवाइस, वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम अवाइस एज वेल. जल्दी 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 जल्दी, जिसने भी आंसर नहीं दिया है वुड रिक्वेस्ट बच्चों आंसर जल्दी दो. ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो. ओके, वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम वेद प्रकाश एज वेल. वी हैव गॉट एन आंसर फ्रॉम वेद प्रकाश एज वेल. ग्रेट वेद प्रकाश. ट्राई करिए बच्चों.
ट्राई करिए फास्ट। ओके वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम अवाइज एज वेल, वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम पिंकी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं बेटा, जब आप पार्ट्स में आंसर लिख रहे हैं ना एक से दो बार, तो आप मेंशन करिए पार्ट वन पार्ट टू, इस तरीके से मेंशन करोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा, मेरे लिए आंसर्स लेना थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है जो भी बच्चे आंसर लिख रहे हैं पार्ट्स के अंदर वो मेंशन करेंगे पार्ट वन पार्ट टू, जो भी पार्ट होगा उसको मेंशन जरूर करेंगे। ओके सो वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम पिंकी, ग्रेट पिंकी। We have got answer from Ved. Try करिए, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे करेक्ट कर दूंगा मैं उसे करेक्ट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट डियर। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर नाउ कनिष्का, ग्रेट। ओके पार्ट टू में वेद प्रकाश ने आगे आंसर लिखा है ग्रेट। Great. No issue Anaira. I think आज संस्कार पढ़ रहा है घर पे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है आज संस्कार। पिंकी का आंसर आ गया है और जल्दी बताइए और कौन ट्राई करेगा बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। मोस्ट वेलकम जसलीन, वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, सेंड मी योर आंसर्स फास्ट। Is there someone who is still writing the answer? जल्दी बताओ। Very good Ved, that's great. Okay, we have got answer from Kanishka as well. We have got answer from Kanishka. Read Kanishka. Okay, I think इतने बच्चों का आंसर काफी है for now. और नाउ इतने बच्चों का आंसर काफी है, अगर किसी बच्चे का आंसर रह गया है तो वो भेज सकता है, अगर किसी बच्चे का आंसर भेज गया है बच गया है तो वो भेज सकता है। मैं इतने ही बच्चों का आंसर चेक करने वाला हूं, कनिष्का पिंकी वेद अवैस और जसलीन, इन बच्चों में से कोई भी किसी को अगर अपना पार्ट भेजना है आंसर का तो वो भेज सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू हैव रेक्टिफिकेशन फॉर नाउ, नो इश्यू सबा। ओके कनिष्का का सेकंड पार्ट मुझे मिल गया है, आई हैव गॉट सेकंड पार्ट फ्रॉम कनिष्का एज वेल। ठीक है और कनिष्का के आंसर का थर्ड पार्ट मिल गया है, वेद आपका थर्ड पार्ट मिल गया है मुझे, डोंट वरी सर, नॉट एक्स्ट्रा लैग गया आंसर में, नॉट एक्स्ट्रा लग गया है, मैं देख लूंगा डोंट वरी। पार्ट थ्री ले लिया है मैंने आई थिंक, आपका आपका पार्ट थ्री नहीं लिया क्या मैंने? दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट वॉज वन, तो ये तो लिख लिया मैंने। ठीक है
चलो बच्चों, अब एक बार हम देखते हैं आप लोगों के जो मिस्टेक्स हैं उनको, ठीक है। आई नो बच्चों थोड़ा सा यू नो इशू है आप लोगों को, जब आप लिख रहे हो आंसर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कुछ कुछ बच्चों को, मुझे पता है समहाउ, क्योंकि पार्ट्स में इतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन स्टिल जो मीडियम हमारे पास है, जो रिसोर्स हमारे पास है, उसके हिसाब से जितना भी हो पाएगा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना। और डोंट वरी, उससे ज्यादा करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना, हमने जितना उस मीडियम में करा था उससे ज्यादा करेंगे। जसलीन ने लिखा है द लैंडलॉर्ड्स फियर्ड दैट गांधी वुड डिमांड द रीपेमेंट। तो यहाँ पे आपका जो रीपेमेंट आपने लिखा है इसमें थोड़ी सी गलती है, इसको ठीक करना है। ऑफ ऑल द मनी बट, यहाँ पे बट आएगा, बट ही आस्क्ड ओनली फॉर 50% एंड द प्लांटर्स ऑफर्ड टू 25%। ऑफर्ड, ऑफर्ड के बाद आप डायरेक्टली लिख दो ऑफर्ड 25% ऑफ द मनी ओनली गांधी अग्रीड, गांधी एक्सप्लेन। अब गांधी अग्रीड के बाद आप यहां ही लिख सकते हो ही एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट, द लैंडलॉर्ड्स वर हम्बल्ड, द लैंडलॉर्ड्स वर कॉम्प्रोमाइज्ड, द लैंडलॉर्ड्स वर कॉम्प्रोमाइज्ड, दे वर कंपेल्ड टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ द मनी एंड देयर प्रेस्टीज। समझ में आ गई बात, क्लियर वेद? मैंने आपका पार्ट थ्री ले लिया है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। वाइस ने लिखा है गांधी अग्रीड टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स बिकॉज ही वांटेड टू ब्रेक द डेडलॉक ऑन द परसेंटेज ऑफ रिफंड बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स। फॉर हिम द अमाउंट ऑफ द अमाउंट वॉज, फॉर हिम द अमाउंट वॉज, यहां पे आना चाहिए लेस इंपॉर्टेंट, द अमाउंट वॉज लेस इंपॉर्टेंट, फिर आएगा द मोर इंपॉर्टेंट वॉज विक्ट्री, ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, अगला है वेद ने लिखा है फॉर गांधी जी, गांधी जी की स्पेलिंग मुझे पता है तुम लोगों से टाइपिंग में गलती हो रही है, लेकिन कोई नहीं, ट्राई करो। गांधी, फॉर गांधी द मनी वॉज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वेन द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ देयर मनी एंड ऑल्सो दे आर सरेंडर द पार्ट एंड ऑल्सो दे हैड टू, ऑल्सो दे हैड टू कॉम्प्रोमाइज, सरेंडर की जगह आप वर्ड यूज कर लो कॉम्प्रोमाइज, रिपीटेशन की जगह कॉम्प्रोमाइज द पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज फॉर गांधी जी द रियल रिलीफ इज टू इज दैट फर्स्टली द पुअर पीजेंट्स, दैट रियल रिलीफ इज दैट पीजेंट्स, पीजेंट्स की स्पेलिंग में गलती है, पीजेंट्स वर फ्री, यहां वर आएगा वर फ्री, टू नहीं आएगा फ्रॉम आएगा, पीजेंट्स वर फ्री फ्रॉम फियर, फ्रॉम द फियर, गांधी जी न्यू, सेकेंड फॉर्म जाएगी पास्ट में न्यू दैट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट दिस दैट सिविल डिसऑबिडियंस वन, सिविल डिसऑबिडियंस वन। समझ में आ गई बात? अच्छा मैं यहां पे तुम लोगों को एक सजेस्ट करूंगा चीज कि जब आप आंसर लिख ले हो ना तो आप अपने नोटबुक में लिखने के बाद फिर टाइप करके सेंड करो, ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इट विल बी फार बेटर, आप अपने नोटबुक में लिखो और नोटबुक में लिखने के बाद आप टाइप करो, ठीक है, क्लियर? चलो पिंकी ने लिखा है गांधी जी अग्रीड टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड बिकॉज मनी वॉज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर गांधी जी, फॉर हिम, अगर आप गांधी जी लिख चुके हो तो आप हिम लिख दो यहाँ, ही ओनली वॉन्टेड द विक्ट्री ऑफ फार्मर्स, ड्यू टू दिस नाउ फार्मर्स वर नॉट अफ्रेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स। और लॉन्ग आंसर में लिखना है पिंकी, आपने छोटा सा पार्ट लिखा है उसके बाद आपको कंटिन्यू करना चाहिए था आगे। और सरवारी पाटिल, अगर आपको आंसर लिखने हैं तो आप बाद में लिखना आंसर, ठीक है, क्लियर? नए क्वेश्चन का आंसर लिखना, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कनिष्का ने लिखा है गांधी जी अग्रीड आएगा डियर, यहां अग्रीड टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड
फॉर द फार्मर्स एज फॉर हिम परसेंटेज ऑफ रिफंड डिडंट मैटर डिडंट पास्ट में जा रहा है डिडंट मैटर एट ऑल एंड बिकॉज ऑफ दिस द रिलेशनशिप बिटवीन गांधी जी एंड लैंडलॉर्ड्स चेंज्ड. ना ना ना, यहाँ पे गांधी जी और लैंडलॉर्ड्स के रिलेशन की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स की बात हो रही थी. नाउ समवन हैज फाइनली कम टू हेल्प देम, बट व्हाट व्हाट गांधी जी वांट इज ही वांटेड ब्रिटिशर्स टू लूज लूज, ये LWSE वाला नहीं है, लूज ये वाला है. ये ना कंटेंट वाइज कनिष्का आपका बिल्कुल सही नहीं है, आपने कंटेंट अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है. अगर आप कंटेंट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं ना तो आपकी गलती होती ही नहीं यहाँ पे, मेरा ये मानना है. ठीक है, तो मेक श्योर इसको थोड़ा और बेटर तरीके से करना, इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से करना. समझ में आ गई बात? चलो तो बच्चों एक और क्वेश्चन लेंगे हम, एक और क्वेश्चन लेंगे आप लोगों के सामने. ट्राई करना है आंसर को भेजने का और पार्ट्स में, ट्राई करना है पार्ट्स में लिखने का. ठीक है, ओके, आर यू रेडी फॉर द सेकंड क्वेश्चन? बच्चों जल्दी बताओ कौन कौन बच्चा रेडी है. और आई वुड सजेस्ट आप लोग अपने नोटबुक में लिखो और फिर नोटबुक से टाइप करके आप अपने चार्ट स्क्रीन पे लिखो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, दिस विल बी फार बेटर. ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया बच्चों, ऑल इंडिया 2012 में ये क्वेश्चन आया है. वी हैव गॉट दिस क्वेश्चन इन ऑल इंडिया 2012. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है ये, क्वेश्चन नंबर टू है, ट्राई करिए जल्दी. जल्दी ट्राई करिए बच्चों, फास्ट फास्ट फास्ट. जल्दी बताओ, ट्राई करो. सर मैंने रट्टा मारा था. ओके ग्रेट, ओके शरवारे आप भी आंसर करो. क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अरे क्वेश्चन नहीं दिख रहा, आई एम रियली सॉरी. ये रहा क्वेश्चन, दिख रहा है? ओके, क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं आपको. क्वेश्चन है व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण, मतलब राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण क्यों इनवाइट किया, एंड हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो फार्मर्स, मतलब जो इंडिगो शेयर प्रॉपर्स थे उनकी प्रॉब्लम को गांधी जी ने कैसे सॉल्व किया. जल्दी बताओ अहमद मोटिवेशनल वीडियोस एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स, ट्राई करिए बच्चों सारे के सारे. एंड राइट डाउन इन पार्ट्स, नो प्रॉब्लम, आप पार्ट्स में लिख सकते हैं बच्चों, यू कैन राइट डाउन इन पार्ट्स. जल्दी 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 ट्राई करिए. We have got Jasleen here, Pinky, Mithlesh. जल्दी जल्दी ट्राई करो बच्चों, नो इशू नायरा. जल्दी जल्दी जल्दी, ओके, और थोड़ा सा लॉन्ग लिखना है गाइस, शॉर्ट नहीं लिखना है, आंसर को लॉन्ग लिखना है, ट्राई टू राइट लॉन्ग. ठीक है, सर मैं भी हूं जो है नहीं उसका नाम क्यों ले रहे हो. अच्छा
कौन नहीं है भाई। ओके फाइन सृष्टि, बेटा बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं आप लोग आंसर। यहां पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉन्ग की, है ना, हम शॉर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग आंसर लिखने की कोशिश करो, शॉर्ट नहीं। ओके जल्दी ट्राई करिए। ओके तो पार्ट वन में कनिष्का ने लिख दिया है यहां पे, वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम कनिष्का, ग्रेट। मुझे पता है शुरू शुरू में हो सकता है आप में से किसी किसी को दिक्कत होगी, बट टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके वी हैव गॉट पार्ट टू फ्रॉम पाटिल, ओके वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम पाटिल, ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी गुड। ओके एंड वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम सानिया एज वेल, ग्रेट सानिया, यू डूइंग वेल। सानिया पार्ट्स को मेंशन करो साथ के साथ, आप जिस पार्ट का आंसर कर रहे हो उसको भी मेंशन करो। क्योंकि आप लोगों को आंसर पार्ट्स में देने हैं बच्चों, ट्राई करेंगे आप लोग पार्ट में आंसर देने का। और मुझे पता है पार्ट में खाली वही लोग आंसर देंगे जो लगातार अच्छे से ट्राई कर रहे हैं आंसर देने का ना। वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम अहमद जी, मोटिवेशनल, ग्रेट। और पार्ट्स मेंशन करो जो भी लोग आंसर दे रहे हैं लगातार, ग्रेट। We have got answer from Srishti as well. Great Srishti. Okay, Srishti के अलावा we have got answer from Ved Prakash as well. डा ले लिया आपका आंसर, कनिष्का का पार्ट टू आ गया है, कनिष्का का पार्ट टू मिल गया हमें। ओके एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम जसलीन एज वेल, ग्रेट जसलीन, यू आर डूइंग वेल। बच्चों जल्दी जल्दी भेजो, ट्राई करो आंसर भेजने का लगातार, आई एम चेकिंग। ओके वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम पिंकी, ग्रेट पिंकी, जिनके नाम मैं लेते जा रहा हूं ना कि आई हैव गॉट आंसर फ्रॉम दिस पर्सन, तो इसका मतलब मैंने उसका कॉपी कर लिया है, ये चीज ध्यान रखो। जिसका मैं नाम ले रहा हूं इसका मतलब कि उसका आंसर मैंने ले लिया है।
हेलो सुमित सर, आई एम कंफ्यूज फॉर पीजीएम विच कोर्स टू टेक ऑफ अनकैडमी दिस दिस और दिस। मेरा ये मानना है जो टीचर आप जिससे कनेक्ट कर सकते हो ऑब्वियसली उसका लेना चाहिए, और एट द एंड आई वुड सजेस्ट यू टू एनरोल फॉर एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन बिकॉज वी हैव बेस्ट एजुकेटर्स टू। क्लियर? ओके, वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम गौतम एज वेल। ग्रेट गौतम, और जो भी बच्चे न्यू आ रहे हैं उन सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पार्ट्स में आंसर देने हैं और पूरे पूरे आंसर लिखने हैं। अगर आप पूरे पूरे आंसर नहीं लिख रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको लॉन्ग में आंसर देने हैं बच्चों। ठीक है, ओके। जसलीन का पार्ट टू हमें मिल गया है। फाइन, वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम कीर्ति एज वेल। कनिष्का का पार्ट थ्री हमें मिल गया है। पार्ट थ्री फ्रॉम कनिष्का आई हैव रिसीव्ड। ग्रेट, चलो जसलीन का पार्ट थ्री मिल गया। ओके, कनिष्का ने पार्ट फोर भी भेज दिया, वाह क्या बात है, ग्रेट। ओके, कनिष्का का पार्ट फोर आ गया है, वेरी गुड। ट्राई करते रहो बच्चों, आप लोगों के आंसर मैं पूरे पूरे ले रहा हूं और मैं एक साथ चेक करूंगा, चिंता ना करिए। अभी तक सबसे ज्यादा जो बड़ा आंसर दिया है वो कनिष्का ने दिया है। ग्रेट, अहमद जी का आंसर मिल गया हमें पार्ट टू का, और मुझे ये चीज पता है कि जो भी लोग पार्ट्स में आंसर दे रहे हैं इसका मतलब वो काफी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को कॉपी पेस्ट करके आंसर देना होता तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो इतनी ज्यादा मेहनत करने वाला है बच्चा, इजंट इट। ओके, वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम सानिया एज वेल। ओके फाइन, तो बच्चों अब मैं रेक्टिफिकेशन वाले पार्ट पे आ रहा हूं, जिनके भी जितने जितने पार्ट्स हो गए हैं आई एम कमिंग टू द रेक्टिफिकेशन एज वेल। ठीक है, आई एम कमिंग टू द रेक्टिफिकेशन एज वेल। कनिष्का ने, वाह क्या बात है, पार्ट फाइव भी दे दिया कनिष्का ने, वेरी गुड। कनिष्का का पार्ट फाइव ले लिया हमने, कनिष्का आपका आंसर वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है पार्ट फोर में। ओके, वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम जसलीन एज वेल। ग्रेट जसलीन, ओके, एंड वेद प्रकाश का लास्ट पार्ट। बच्चों पार्ट्स को दो दो बार नहीं भेजना है, एक चीज ये ध्यान रखो, ठीक है।
ग्रेट. ओके, वी हैव गॉट आंसर फ्रॉम गौतम एज वेल. ग्रेट. चलो बच्चों, अब रेक्टिफिकेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं. जितने भी बच्चों ने भेजे हैं आंसर, लेट अस हैव रेक्टिफिकेशन एज वेल. तो जैसे कि पाटिल जी ने भेजा है, सो दैट ही कुड एलिविएट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द माइजरेबल पीजेंट्स एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश. फर्स्ट ऑफ, राजकुमार शुक्ला हु वाज एन इलिटरेट एंड ऑप्रेस्ड इंडिगो फार्मर फ्रॉम चंपारण इनवाइटेड गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट so that he could alleviate the problem faced by the miserable peasants to the hands of he kept urging Gandhi ji to visit Champaran. तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने पहले बीच में से भेज दिया था, या फिर मैंने आपका आंसर नहीं लिया था, तो ये वाला पार्ट मैंने इसलिए हटा दिया है. बाकी आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा ना आंसर को बड़ा करो, ठीक है? थोड़ा सा आंसर को और बड़ा करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? ग्रेट ग्रेट. चलो आगे बढ़ते हैं. तनिष्का का आंसर है, राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर बट डिटर्मिनेशन. बेटा डिटर्मिनेशन नहीं आएगा यहाँ, डिटरमाइंड आएगा. डिटरमाइंड शेयर प्रॉपर. ही वॉज वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड विद द ब्रिटिश ऑर्डर्स. ही वॉन्टेड समवन हु स्टैंड विद हिम, हु कुड स्टैंड विद हिम की जगह आप यहां लिख सकते हो फॉर फार्मर्स. उसके साथ नहीं खड़ा होना था, फार्मर्स के लिए खड़ा होना था. टू फाइट विद ब्रिटिशर्स. एंड व्हेन ही सॉ गांधी कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका. बेटा यहाँ पे ध्यान रखो कि ज्यादातर लोगों को उनके साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं पता था. एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ओपन माइंडेड पर्सन. देन ही बिगेन टू फॉलो हिम एवरीवेयर एंड रिक्वेस्टेड हिम to help the poor share proper. And after so much request and struggle, Gandhi ji was very impressed by him and decided to help him. And then he went to the court and chided all the lawyers out there as they were taking fees from their own people, as they were taking a huge amount of fees from their own people and order them to stop coming courts, because coming courts is useless as the higher authorities was Britishers. Higher authorities were influenced by the Britishers. Then he launches several movements against Britishers and took the stand for their own people. And finally, after so much of struggle and hard work, he won and opened all the alternative institutions too. Great, very good. कोई नहीं बच्चों, आप अगर मैंने किसी का नहीं लिया है तो नो इशू, जितना मैं चेक कर रहा हूं आपको उतना देखना है, ठीक है? यू कैन गो विद दैट. चलो अगले पार्ट पे आते हैं. सानिया ने लिखा है, राजकुमार शुक्ला इन्वाइटेड गांधी इन चंपारण, चंपारण का सी कैपिटल, because the problems faced by the miserable peasants at the hands, because there the problems were faced by the miserable peasants at the hands of the British landlords. When he saw Gandhi ji coming, यहाँ पे ना आपने आंसर को मिक्स मैच कर रखा है सानिया. The answer is mix matched. ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. अहमद जी ने लिखा है, राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी टू चंपारण. द रीजन वॉज दैट द ब्रिटिशर्स हैड आस्ड टू ग्रो इंडिगो इन आवर लैंड, इन देयर लैंड. बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक है अहमद जी आपकी. एंड ही विल ग्रो इन आवर लैंड एंड शेयर द इंडिगो टू आवर ब्रिटिशर. ना बेटा, बहुत ज्यादा A lot of grammar issue there is.
आपको ना सेंटेंस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अहमद, ठीक है? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी इन चंपारण बिकॉज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मेजरेबल पीजेंट्स। ये सबने मतलब सेम लाइन क्यों लिख रखी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा क्या करा है तुम लोगों ने। राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी जी, गांधी जी के साथ दानी आएगा टू कम टू के साथ कम आएगा विद हिज डिस्ट्रिक्ट चंपारण, टू कम टू हिज डिस्ट्रिक्ट आएगा। भाई बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऐसे तो आंसर हो ही नहीं पाएंगे पार्ट्स के अंदर। कंक्लूजन इज बच्चों आंसर इसके हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे नहीं हो पा रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल लाइक दिस। अनायरा आई एम रियली सॉरी, जो भी बच्चे हैं आंसर्स ना सही से नहीं हो पा रहे, आप लोगों ने पार्ट्स में लिखे हैं ना इसलिए आंसर सही से नहीं हो पा रहे हैं। आई विल हैव टू कम अप विद सम अदर वे, आई विल हैव टू कम अप विद सम अदर वे, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन आई थिंक। मैंने आपका आंसर देख लिया है अनायरा, बट द प्रॉब्लम इज पार्ट्स में आंसर देने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। गुड नाइट निश्ता, तो आई थिंक आई शुड कम अप विद सम अदर वे, तो ठीक है वी विल फाइंड सम अदर वे। जिस जिसने भेज दिया है मैं उनका चेक कर देता हूँ बस ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। जसलीन ने लिखा है राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिहार, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू मीट गांधी जी, ही वॉन्टेड गांधी जी टू विजिट चंपारण टू टेक अप द कॉज ऑफ पुअर पीजेंट्स देयर। द पुअर शेयर क्रॉपर्स वर एक्सप्लेन बाय द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, दे विक्टिम्स, दे वर द विक्टिम्स ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम। गांधी जी बिगैन हिज मिशन इन चंपारण By trying to get all the facts regarding the Indigo movement. First, he visited the secretary of the British Landlord Association, but he received no information as he was termed as an outsider. Then he met the British official commissioner of Tirhut Division. The commissioner only tried to bully Gandhi and advised him to leave Tirhut immediately. Gandhiji didn't leave but proceeded to Motihari to consult the local lawyers and the people there. Great. Okay, fine, Guri. Great. Rajkumar Shukla invited Gandhiji to Champaran for solving the problem of the landlord system as it was dreadful for peasants. Gandhiji, after collecting the facts about the problem and considering the advice of other people, started a civil disobedience movement, and at last he succeeded in his movements in abolishing the landlord system. Good. काफी सही लिखा है आपने। Gautam, he solved the problem by demanding 50% of the compensation money that was paid by peasants. He agreed to 25% as money is not that much important. ठीक है। लेकिन यहाँ पे money was not that much important, ये वाला point ज़्यादा सही रहेगा। Money was not that important as victory is, and to make peasants self-reliant, he also convinced lawyers, telling them logical things. He chided them for charging exorbitant fees from peasants. Great. चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई विल कम अप विद सम वे गाइस, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के पास अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें हो पाए, क्योंकि हमारे को इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से करना है। मैंने ये सोचा है कि हमारा आंसर राइटिंग के जो सेशन है ना वो थोड़े अच्छे तरीके से होने चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छे तरीके से नहीं होंगे तो थिंग्स वॉन्ट वर्क, चीजें वर्क नहीं करेंगी, चीजों में मजा नहीं आएगा। This is why I have decided कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? Most welcome Anaira. ठीक है, I will have to do something for that. Let's see what we can do. Is it clear? Great. Hello SK Learning. चल,
बच्चों आई होप आप लोगों को सेशन में आज कुछ सीखने को मिला होगा। एंड एट द एंड आई वुड लव टू से बच्चों, अगर आप में से किसी ने भी जो अनअकैडमी का कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट है अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड पार्टिसिपेट इन अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। जिस बच्चे की भी रैंक से 1 से 3 आता है उसको 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। 4 से 10 वालों को 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 को 50%। इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिलती है जो बहुत बेनिफिशियल है। एंड यू कैन यूज द कोड दैट इज SUTH10। प्री रजिस्ट्रेशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 30 क्वेश्चन आप 60 मिनट्स में आंसर करते हैं। गुड इवनिंग आर्यन, ठीक है। और टॉप 3 स्टूडेंट्स को बच्चों मिलते हैं मेडल्स और टॉप 25 को मिलते हैं सर्टिफिकेट्स। यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है, क्लियर। और बग्स बाउंड्री में पार्टिसिपेट करते हो बच्चों, कर सकते हो आप। अगर आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अन अकेडमी की किसी भी स्लाइड पे दिखाई देता है, यू कैन रिपोर्ट दैट। फॉर्म नीचे अवेलेबल है, इससे आप प्राइस क्लेम कर सकते हो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे। और बच्चों टुडे इज द लास्ट डे, टुडे इज द लास्ट डे, आप 20% ऑफ जो है वो ले सकते हैं अगर आप कोड यूज करते हैं SUTH10। 3 मंथ्स के साथ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फ्री। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर किसी को अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में कोई भी डाउट है तो बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं हमारे काउंसलर से, नंबर सामने अवेलेबल है। एंड यू कैन यूज द सेम कोड दैट इज SUTH10। ओपन हाउस सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 3 मंथ्स के साथ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा बच्चों आप लोगों को फ्री, इफ यू आर गोइंग टू गेट दिस एट द एंड। बच्चों लास्ट में मैं बात करूंगा अन अकेडमी प्रोडजी की। अन अकेडमी प्रोडजी अगर किसी ने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो आप एनरोल जरूर करें। लास्ट टेस्ट है बच्चों February 27 को अन अकेडमी प्रोडजी का, एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। और कोई भी स्टूडेंट, अगर किसी का फ्रेंड भाई बंधु कोई भी 11th क्लास का स्टूडेंट है तो आप बता सकते हैं बैचेस के बारे में जो हमने नए स्टार्ट करे हैं फैब 2 से। वी हैव मोनिका बीदी मैम, शिप्रा मैम, मनोज सर एंड अदर एजुकेटर्स टू, ठीक है। कॉमर्स के लिए गौरव जैन सर हैं और अदर एजुकेटर्स हैं। एक्सपेडिशन बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा था। साइंस के लिए अनुराग सर हैं, तमसा मैम है, राहुल द्यूदी सर है, सविता मैम है। तो मेक श्योर आप लोग जरूर ज्वाइन करें इन बैचेस को। ब्रह्मास्त्र बैच 12th क्लास के लिए भी है कॉमर्स के बच्चों के लिए और शाइन बैच के लिए। तो मेक श्योर जितना जल्दी हो सकता है एनरोल जरूर करें, ठीक है। और मिलेंगे बच्चों अपने अगले सेशन में। स्पेशल क्लासेस के लिए एनरोल करने के लिए आप मेरे प्रोफाइल को विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टॉप पे अवेलेबल है बच्चों। लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एट द एंड थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो और नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं बच्चों अपने अगले सेशन में और आई विल फाइंड आउट सम काइंड ऑफ वे ताकि हम लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस थोड़ा सा इफेक्टिवली कर सकें, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, ठीक है, चलो बाय बच्चों।